स्मरण है ना युवराज, अपनी बात कहने के लिए आपके पास अधिक समय शेष नहीं है। चुनौती थी, तुमसे चुनौती हार भी जाऊं तब भी मुझे दुख नहीं होगा लाची। तो अब युवराज पुरुषोत्तम अपनी नई जीवन की यात्रा का आरंभ एक दस्यु लड़की से मिली हार से करेंगे। हार उसी को पहनाया जाता है लाची जिसकी जीत होती है। तुमसे हार भी जाऊं तो जीत मेरी ही होगी। क्योंकि मैं अपने जीवन का हर एक पल तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूं लाची। तुम यह चाहती हो कि मैं पूरे संसार के सामने अपने मन की बात कहूं तो मुझे स्वीकार है, पर महत्वपूर्ण यह है लाची कि पहले तुम मेरी मन की बात जान लो। बचपन से लेकर आज तक हम दोनों एक साथ हैं। मेरे जीवन के हर सुख दुख में तुमने मेरा साथ दिया है और मैं चाहता हूं कि हम इस विश्वास के संबंध को आगे बढ़ाएं। लाची, मुझे तुम्हारी आदत पड़ गई है और इसीलिए मैं चाहता हूं कि जीवन भर तुम मेरा साथ दो। मेरे हृदय की धड़कन सुन पा रही हो ना तुम? ये केवल तुम्हारे लिए धड़कता है लाची, इसीलिए नहीं क्योंकि तुमने मुझे मृत्यु के मुख से बचाया, पर इसीलिए क्योंकि तुम्हें पाकर मेरा जीवन समीप आ गया है। मैंने हमेशा तुम्हें प्यार किया है और करता रहूंगा, पर आज मैं तुम्हारे मुख से सुनना चाहता हूं कि क्या तुम्हारा मन भी मेरे लिए धड़कता है लाची। उत्तर देना आवश्यक है? तुम्हारे भाग्य ने भले ही तुम्हें दस्यु से राजकुमार बनाया हो, पर मेरे लिए मेरी नियति, मेरा प्रारब्ध सदैव तुम थे, हो और रहोगे।
परंतु एक बात स्पष्ट कह देती हूँ पुरु, मुझसे ये भारी भरकम आभूषण नहीं पहने जाएंगे। पता नहीं ये रानियां इन आभूषणों का भार कैसे सहती है, मेरी तो कमर ही अकड़ जाएगी। तो औषधि मैं लगा दूंगा लाची। अब चलो पुरु, सब तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। और एक बात स्मरण रखना, तुम्हारे राजा बनने के बाद भी मेरी चुनौतियों से तो तुम नहीं भाग पाओगे पुरु। जब तक तुम्हारा साथ हो लाची, मैं जीवन की बड़ी से बड़ी चुनौती का सामना कर सकता हूं।
जिस निष्ठा और संयम के साथ राजकुमार पुरुषोत्तम ने केवल पौरव राष्ट्र ही नहीं पर पूरे भारत के हित में असंभव को संभव कर दिखाया वह सराहनीय है। पुरुषोत्तम ना केवल एक अच्छे नागरिक अपितु एक अच्छे शासक के रूप में अपनी सक्षमता का परिचय दिया, हमारा सही मार्गदर्शन किया। समय आ गया है कि अगली पीढ़ी अपना पदभार संभाले। इसलिए हम पौरव नरेश बमनी आप सबको भारत का रक्षक पौरव राष्ट्र का युवराज भेंट करते हैं। युवराज पुरुषोत्तम। युवराज पुरुषोत्तम की जय। युवराज पुरुषोत्तम की जय। युवराज पुरुषोत्तम की जय। युवराज पुरुषोत्तम की जय। अपने दुश्मन की कमजोरी को अपनी ताकत बनाओ तो फतेह आसान हो जाती है। फारसियों के ये भाले हमारे हथियारों की बराबरी नहीं कर सकते। इस बात का फायदा उठाओ हेफेस्टियन। ट्रीटस फारसियों की फौज पर बीचों बीच हमला करो। एक जत्ते को फेलिक्स के जंगी बख्तर में सजा के हमला करो। नस्ते नाबूद कर दो फारसियों को। Thank you.
चाहती हूँ अलेक्जेंडर जब भारत पहुँचे उसे उसके गुनाहों की सजा मिले। उसने अरेको का कत्ल किया, इसकी कीमत तो उसे चुकानी ही होगी। अलेक्जेंडर नाम की तलवार भारत में जो ढाल है, मुझे उसको आगाह करना होगा। लेकिन तुम उसे पहचानोगी कैसे? तूफान अपना नाम खुद नहीं बताता, उसे देखने वाले बता देते हैं कि वो कहां से गुजरा है। राजकुमार पुरुषोत्तम सच में रक्षक हैं। भारत के रक्षक होने की उस भविष्यवाणी को पूरा किया उन्होंने। डरायस और फारसियों को देश से बाहर खदेड़ दिया। आज उन्हें युवराज होते देखना हमारे लिए सबसे बड़े गौरव का क्षण होगा। तो तुम हो जो सिकंदर का मुकद्दर बदलेगा। जंग में बचे फारसी लड़ाकों की लाशें नदी में क्यों बाहर हैं? क्योंकि तबाही का खौफ सुनने से ज्यादा देखने से फैलता है। ये लाशें नहीं है हेफेस्टियन, ये हमारा पैगाम है। जब ये लाशें नदी के जरिए पूरे फारस तक पहुंचेंगी तो सारे फारस में मेरे नाम का खौफ फैल जाएगा।